तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो कंडीशन है, उसे मान के चलना पड़ेगा। मैं गीता जी से कहा, भाई गीता जी ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका क्रस्ट पहुंच रहा है? गीता जी बोली, भाई मैं चली हूँ कम, और गीता जी बोली मैं चली हूँ ज्यादा, और जब मैं ज्यादा चली हूँ तो ऐसा हुआ है कि मेरा तो साइन वेव है, तो साइन वेव में होना ये था कि क्रेस्ट का अगला भाग पहुंच रहा है वहां पर। जब क्रेस्ट का अगला भाग पहुंच रहा है तो वहां ट्रॉफ मिल रहा है। तो हमने बोला कहीं ना कहीं रोज तुम्हारे ज्यादा चलने का है क्या? बोले और नहीं तो क्या, मैं जो फालतू चली हूँ उसकी वजह से ही ये फेज डिफरेंस दिख रहा है, उसकी वजह से ही हमारी संगत शकलें बदली हैं। मैंने बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे ज्यादा चलने से फेज डिफरेंस आया है। बोले ऑफकोर्स, मैं ज्यादा नहीं चलती तो फेज डिफरेंस नहीं आता। बोले कितना ज्यादा चली हो? बोले यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के देख लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के देख लो। बोले मैं इतना परपेंडिकुलर डाल के देख लो, बोले मैं इतना ज्यादा चली हूँ, ये परपेंडिकुलर इतना ज्यादा चली हूँ। मैंने बोला अरे भाई साहब, ये तो तुम्हारे रास्ते का अंतर है, ये तुम्हारे रास्ते अगर इतने होते तो बराबर होते, इतना फालतू चली हो तुम। तो बोले हाँ, इस फालतू को ही पाथ डिफरेंस कहते हैं, इस फालतू को ही पाथ डिफरेंस कहते हैं। मैंने बोला तो इससे क्या हो गया? बोले बेटा इसी से तो ये फेज डिफरेंस आया है। प्रोपोर्शनल नहीं होता, रेस्पॉन्सिबल फॉर फेज डिफरेंस, फॉर फेज डिफरेंस। तो मैंने संक्षेप में आपको ये बताने की कोशिश करी, वहां पे भी पहले भी और इतनी देर का भी चिल्ला चिल्ला ये कहता है कि पाथ डिफरेंस ही रेस्पॉन्सिबल होता है फेज डिफरेंस के लिए। जब पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट भी करते होंगे, रिलेशन भी रखते हैं, वो महत्वपूर्ण रिलेशन हम समझेंगे, वो पूरे इंटरफेरेंस की जान है वो, चाहे वो एम्पलीट्यूड डिवीजन इंटरफेरेंस हो, चाहे वो वेव फ्रंट डिवीजन इंटरफेरेंस हो, कैसा भी हो, आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के साथ ही खेलना पड़ेगा। ये बात आप समझ लें कि बिना पाथ डिफरेंस के फेज डिफरेंस नहीं आता, ये मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में भी समझाऊंगा। समझते हैं, मिटाएं क्या? मिटा देते हैं और समझते हैं रिलेशन क्या होता है। सपोज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज डेल्टा फाई एंड फेज डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, देन रिलेशन क्या होता है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। ये ऐसे भी कह सकते हैं, एम्प्लाइज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एम्प्लाइज फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब जरा विचार करके देखें, मैं जो चिल्ला के कह रहा था, गीता और बबीता अगर साथ चलती तो दोनों बराबर दूरी चलती, अगर पाथ डिफरेंस खत्म हो जाता तो उनका फेज डिफरेंस भी खत्म हो जाता, अगर पाथ डिफरेंस खत्म हो जाता तो उनका फेज डिफरेंस भी खत्म हो जाता। बस समझ आ रही? तो हम समझेंगे एक चीज़ और निकालेंगे एज ए रिजल्ट, पाथ डिफरेंस, ये दोनों एक ही चीज़ें रिलेट करके देखना, एक ही चीज़ें, पाथ डिफरेंस कितना होता है ब्राइट और डार्क के लिए। तो यहाँ बता रहा हूँ ब्राइट के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया था ब्राइट के लिए कोस फाई का मान एक होना चाहिए, बताया था, मतलब फाई का मान जीरो होना चाहिए, ये तो बात चल रही थी, फाई का मान जीरो होना चाहिए, फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, फाई का मान जीरो होना चाहिए, तभी को जीरो ही मिलेगा। अब फेज डिफरेंस को अगर मैं जीरो रखूंगा तो पूरी चीज खत्म हो जाए, हो जानी चाहिए। फिर मैंने बताया था आप एन पाई, 2nπ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, सम संख्याओं में जीरो आता है, कब आता है, सम संख्याओं में। तो यहाँ अब आती है बात, कोस फाई का मान एक होना चाहिए, तो कोस फाई का मान कोस 2nπ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 2nπ, कोस से कोस कट गया, एम्प्लाइज फाई का वैल्यू क्या होती है, 2nπ। अगर फाई की वैल्यू 2nπ आए तो वहाँ ब्राइटनेस दिखाई देगी। अब यहाँ से आप यहाँ पर रखें और देखें पाथ डिफरेंस कितना आता है, एम्प्लाइज डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना है, 2nπ, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना है, एन लैम्डा। ये आप दिमाग में भर लेंगे, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। फॉर डार्क फ्रिंज ये देखते हैं, डार्क फ्रिंज के लिए मैंने क्या बताया था, कोस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, कोस फाई का होती है भाई -1, कोस फाई के लिए कोस की वैल्यू होती है कितनी, यही रखना है, तो ये हो जाएगा 2n+1π।
देखते हैं, अगर मैं यहाँ रखता हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे जीरो रखता हूँ तो कोस पाई आएगा, कोस पाई के लिए मान, बिल्कुल सही है। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2n+1 पाई होगी। तो 2n+1 पाई अगर मैं यहाँ रखूँगा तो कितना रिजल्ट आएगा, इधर देख लो, इधर आएगा m+ पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π इंटू फेज डिफरेंस कितना है, 2n+1 पाई, पाई से पाई कट गया, इक्वल टू आ गया 2n+1 λ/2। तो ये आ गया, तो आप आई होप समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने बताया आपको कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस रिलेट करते हैं, और फिर मैंने कैसे बताया कि क्या होगा पाथ डिफरेंस की कंडीशन। तो पाथ डिफरेंस कंडीशन होती है n λ, मैं n λ जब कह रहा हूँ तो वास्तव में वही चीज़ कह रहा हूँ कि वो फेज डिफरेंस 2n π पर पड़ रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अगर 2n π पर पड़ रही है तो डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये कंडीशन में साफ करके लिख रहा हूँ ताकि आप याद कर पाएं, नोट कर लें, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीक चल रहा है, बहुत बारीक। स्टार बना के लिखूंगा, मैं स्टार बना के लिखेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज किसके टर्म में, पाथ डिफरेंस के टर्म में। पाथ डिफरेंस याद क्या रखना है, यही याद रखना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, ये अच्छे से याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नंबर क्रॉस कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस की टर्म में, पाथ डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू बताया था कितना, 2n+1 λ/2, ये होता है, देखो सही। तो ये पाथ डिफरेंस आप याद रखेंगे, इसी से हम आगे चीजें डील कर सकते हैं, बताता हूँ इसे और आगे चलते हैं। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं और फ्रिंज की लोकेशन कैसे निकालते हैं, तो हम मैथमेटिकली डील करेंगे यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। हैशटैग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट समझते हैं क्या होता है, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया दो स्लिट होती हैं S1, इसका नाम रख दिया स्लिट S1, इसका नाम रख दिया स्लिट S2। यहाँ पर सोर्स रखा है, लाइट गई है ऐसे, इसका नाम है सोर्स S, यहाँ पर वेव होगी और यहाँ पर स्क्रीन होगा। तो मानेंगे यहाँ से लाइट गई होगी यहाँ पर और यहाँ पर एक फ्रिंज बन रही होगी, मुझे नहीं पता वो डार्क बन रही होगी या कैसी बन रही होगी, पर फ्रिंज जो है वो nth होगी, तो मतलब डिस्टेंस को मैंने xn मान लिया। और मानेंगे कि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी d है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी d है, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी जो है D है, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्रीन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्लिट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम सोर्स। तो करना क्या है कि आपको देखना है कि ये जो वेव गई है, सॉरी ये जो वेव गई है और ये जो वेव गई है, एक बार तो देखिए, मैंने एक स्वाभिमानी टीचर जो है पढ़ाते समय सॉरी बोल देगा, साला किसी के सामने सॉरी नहीं बोलता, ऐसे नॉर्मली नहीं बोलते है ना, पढ़ाते समय बोल देंगे, बोले एक लाइन दो सॉरी सॉरी बच्चों, अपना वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, नॉर्मली निकल गया, पता नहीं कैसे। तो सोर्स की स्पेलिंग गलत लग रही है, मिटा देता हूँ। अब बात चल रही है कि फेज डिफरेंस कैसे देखते हैं, निकालने का तरीका क्या है, तो ये डॉट डॉट कर मैंने इससे मिलाया, हाय कितना गंदा बना रहा हूँ चित्र आज में, आदत चौक से लिखने की है, ठीक है, और इसको इससे मिलाया अभिलंबत, क्यों मिलाया, रीजन ये है कि अगर मैं इसको इससे नहीं मिलाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कितना फालतू चली है ये वेव जो ऐसे गई है और दूसरी वेव जो ऐसे गई है। मैंने आपसे पूछा कि आप ब्राइट फ्रिंज बनाओगे या डार्क फ्रिंज इस पॉइंट पर, तो इन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि मैं ब्राइट बनाऊंगी या डार्क बनाऊंगी, पर मुझे इतना पता है कि मैं इतनी फालतू चली हूँ, बोले जितनी फालतू चली हूँ उसे पाथ डिफरेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाथ डिफरेंस, और हमें यही रिलेशन चाहिए। तो जब हम इस बात लाइन को डॉट डॉट कर खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाला ट्राइंगल नाम देता हूँ, इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी, और ये वाला ट्राइंगल ई है, इसका नाम ई, वो क्या है, वो समरूप है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हियर ट्राइंगल S1E S2
एस टू एंड ट्राइंगल सी बी ए, सी बी ए आर सिमिलर, आर सिमिलर, जब सिमिलर हैं एक दूसरे से एक दूसरे ज्यादा, तो थीटा तो रिप्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा कर देता हूँ, थीटा ये एंगल सेम होगा, ठीक है, सिमिलरिटी कंडीशन के लिए। तो सिमिलरिटी कंडीशन लेंगे बाय द कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, बाय द कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, और अपनी देसी वाली वही यूपी बोर्ड वाली कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, कौन सी वाली, वो कंडीशन है खड़ी बटे खड़ी बराबर पड़ी बटे पड़ी। तो इसकी जो खड़ी है वो समझेंगे, ये एंगल के सामने वाली चीज को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये खड़ी है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बटे इस वाले में एंगल के सामने खड़ी है थीटा के सामने क्या है एक्स एन, एक्स एन, और इसके सामने पड़ी क्या है ट्राइंगल के सामने डी, पता है हमें डी पड़ी है, और इसका हमें क्या पता है ये नीचे वाला डिस्टेंस पता है, ये है कैपिटल डी, कैपिटल डी। इसको उल्टा करेंगे एम्प्लाइज एक्स एन अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको उल्टा करेंगे डी अपॉन स्मॉल डी, एक्स एन का मान निकालेंगे एम्प्लाइज एक्स एन इज इक्वल टू डी डेल्टा एक्स अपॉन डी, खड़ी बटे खड़ी एक्स एन डी बाई डी, सही है ये पार्ट डिफरेंस, फिर डिफरेंस हमारा, लेट मी चेक, इसके इसका परपेंडिकुलर क्या है खड़ी ये रहा डेल्टा एक्स बटे इसकी खड़ी क्या है एक्स एन, इसका पड़ेगा डी, इसका पड़ेगा कैपिटल डी, तो एक्स एन इक्वल टू आ गया डी डेल्टा एक्स अपॉन डी। मेथड और भी हैं बहुत सारे, मुझे ये मेथड इजी लगता है और बहुत जल्दी इससे रिजल्ट आ जाते हैं, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर, तो ये मुझे इसका लगनी चाहिए कि ये मुझे एक्स एन की वैल्यू सही नहीं लग रही, मुझे एक्स एन की वैल्यू ये सही नहीं लग रही, सही नहीं लग रही, तो क्या सही नहीं होगी, सही है, आपको पार्ट डिफरेंस निकालना होता है इसके सही लग रही एम्प्लाइज पार्ट डिफरेंस कितना है डेल्टा एक्स इसको डिस्क्रिमिनाइज में करो कितना है डी एक्स एन अपॉन कैपिटल डी, ये तो ये पार्ट डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो हमें करना क्या था, मैंने आपको ये बता दिया फाइनली कि जब कभी लाइट सोर्स को यंग वेलसाइट एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो लाइट जब पहुंचेगी तो यहाँ पर पहुंचने में उसका पार्ट डिफरेंस इतना होता है। अब ये पार्ट डिफरेंस रखकर आपको कंडीशंस प्राप्त होंगी, कौन कौन से कंडीशन प्राप्त होगी, अगर यही पार्ट डिफरेंस ब्राइट की कंडीशन के रख दूँ तो ब्राइट फ्रेंज मिलेगी, अगर यही पार्ट डिफरेंस मैं डार्क की कंडीशन में रख दूँ तो मैं डार्क फ्रेंज मिलेगी, तो इसे मिटा के मैं कंडीशन पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, देखते हैं। अभी लास्ट में एक डायग्राम बनाऊंगा उसे नोट करना, ठीक है, इसे इससे अच्छा बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस क्या होता है भाई, पाथ डिफरेंस को एन लैम्डा के इक्वल करना होता है, पाथ डिफरेंस कितना है बताओ कितना है डी एक्स एन कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, तो एक्स एन कितना आ गया, यह आ गया एन डी लैम्डा बाय डी, याद रखना एक्स एन क्या है ओरिजिन से दूरी, एक्स एन क्या है मिड पॉइंट से दूरी ग्राउंड स्टेट से। नाउ अगेन कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस कितना भी डेल्टा एक्स को किसके कॉल करना होता है टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, रटना भाई तुम्हें रटना क्या है इतनी सारा बताया इसके ऊपर, ये टर्म जो है रटवाते हैं टीचर, ये टर्म रटवाते हैं, उसी चीज को मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग उसका महत्व समझ पाओगे या नहीं, बाद में समझोगे एक दिन जब मैं मर जाऊंगा, इमोशनल अत्याचार कर रहा हूँ मैं, बताओ कितना है डी एक्स एन अपन कैपिटल डी इक्वल टू टू एन प्लस वन अपन लैम्डा बाय टू, बताओ कितना है एम प्लस एक्स एन की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई टू एन प्लस वन वन डी लैम्डा बाय टू डी, ये लोकेशन है, ठीक। इसको मिटा कर फ्रिंज विड्थ बताता हूँ, फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ फॉर फ्रिंज विड्थ, नाउ फॉर फ्रिंज विड्थ, फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको फ्रिंज विड्थ को डब्ल्यू मान लूं मैं, कुछ लोग बीटा भी मानते हैं, वो होता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन से फ्रिंज विड्थ निकाल जाती है, क्यों निकाल जाती है, रीजन क्या है, ये तुम्हें याद है तो कर लो भाई, मुझे तो रटे पड़े, कितने होते हैं एन डी लैम्डा बाई डी होता है, याद रखना,
ऊपर कैपिटल वाला है। अच्छा जी, अब ये डायग्राम जो उतारने करता वो ये था, ये है स्लिट S1, S2, यहाँ पर सोर्स है, ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2, लाइट आई ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पर पर्दा है स्क्रीन, और यहाँ पर बना ब्राइट फ्रेंच, क्या बना ब्राइट, फिर बना डार्क, फिर बना ब्राइट, फिर बना डार्क, फिर बना ब्राइट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, सुनने में सुंदर लग रहा है ना, बनाते हैं और अच्छे से ऐसे चित्र बनाना। इसका नाम वही है, क्या नाम है इसका, वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका नाम कितना है, वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, एक वेव यहाँ से गए, एक वेव यहाँ से गए, ऐसे सोर्स ब्राइट को ऐसे रहने दो, डार्क को काला कर लेते हैं, देख लो बेटा तुम्हारे लिए कितनी खर्च कर रहा हूँ। सारा खेल याद रखने का भैया, कोई चीज़ समझ में आ रही है इसका जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम निकालने की चीज़ें याद रहनी चाहिए, समझ में आना और याद आना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बेटे होते बराबर है, कभी तुम बोलो छोटी बड़ी बना दिए हैं, छोटी बड़ी होती हैं, ऐसा नहीं, ब्राइट और डार्क बिल्कुल बराबर होती है, फिर डिफ्रैक्शन भ्रमित हो जाओगे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसमें फ्रिंजेस की चौड़ाई बराबर होती है, फ्रिंजेस की चौड़ाइयां बराबर होती हैं। तुम सोच रहे हो खाली छोड़ दिया, बेटा खाली नहीं छोड़ा, वो चमक रहा है इसलिए ब्राइट। बात करते हैं ये चौड़ाई का फार्मूला कैसे आया, हमने पूछा चौड़ाई किसे कहते हैं, तो चौड़ाई कहते हैं इसे, ठीक है चौड़ाई, भाई यही तो है चौड़ाई, देखो बिल्कुल बात सही है, यही चौड़ाई है। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे कि अगर ये एक्स एन वी फ्रिंज है, अगर ये एक्स एन वी फ्रिंज है, एक्स एन वी, तो ये एक्स एन प्लस वन भी फ्रिंज है, ध्यान से देखो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं, बारह, इस तरीके से चलेंगे, तो अगर इस फ्रिंज का नाम एक्स एन फ्रिंज है, अगली फ्रिंज का नाम एक्स एन प्लस वन होगा, सीधी सी बात है। और वास्तव में ये एक्स एन जो है वो दूरी है किससे, सेंटर से, तो यहां से ये दूरी अगर एक्स एन है और यहां तक की दूरी एक्स एन प्लस वन है, क्योंकि एन प्लस वन फ्रिंज की संख्या है और एक्स एन वन प्लस वन दूरी है, ये है फ्रिंज नंबर, तो ये एन भी फ्रिंज है, तो ये एन प्लस वन भी फ्रिंज है, ठीक है, तो ये इतनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस होगी, तो इस पूरी वाली दूरी में से अगर ये नीचे वाली दूरी निकाल दें तो ये जो बचेगी ये चौड़ाई होगी, और ऐसा सब पे लागू कर सकते हो आप, क्योंकि एनथ के लिए जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि चौड़ाई ऐसी क्यों है, चौड़ाई ऐसी यूं है क्योंकि एन प्लस वन की अगली फ्रिंज है ये वाली, और एक्स एन जो है वो नीचे वाली फ्रिंज है, और एक्स जो है वो वहां तक की दूरी को डिनोट करता है, तो उसे मिटाता हूँ, और इतनी जो लेखनी खर्च करी है वो सिर्फ चौड़ाई बताने के लिए ही खर्च करी थी, इसे मिटाते हैं, दस्तर रखते हैं यहाँ पर, बता भाई, तो एक्स एन की वैल्यू कितनी थी, थी बीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी एन डी एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, इसकी वैल्यू कितनी थी, एन डी लैम्डा बाय टू, बिल्कुल सही, ए डी है यार, ऐसा मत करो यार, मल्टी कर दो एन डी लैम्डा बाई डी, तो खाली पे कर दो बीटा स्क्वायर टू एन डी ओ एन स्क्वायर, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, तो फॉर्मूला तो ये होता है ना एन डी लैम्डा बाई डी, मैंने डायरेक्ट मान रख दिया ना, फॉर्मूला होता है एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, तो एन की जगह क्या रखना है, एन प्लस वन रखना है, तो एन की जगह एन प्लस वन रखूँ तो कितना जाएगा, एन प्लस वन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो ये वाली चीज़ पहले लिखनी है, तो यहाँ रख दो, सही से लिख दो ना, इसलिए गलती हो रही है, एन प्लस वन डी लैम्डा बाई डी, और ये वाला ये रख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, बीटा स्क्वायर टू कितना है, एन डी लैम्डा बाई डी प्लस डी लैम्डा बाई डी,
माइनस का एन डी लैम्डा बाय डी, इससे कैंसिल हो गया, बीटा इक्वल टू आ गया डी लैम्डा बाय डी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर से इंडिपेंडेंट है, याद रखना। अगर यही चीज में डार्क की कंडीशन लगाऊं तो क्या होगा, एक्चुअली फॉर्मूला बड़ा था इसलिए लगा, याद रखना डी लैम्डा बाय डी फ्रिंज पर थे, डार्क की कंडीशन में भी हमें यही रिजल्ट प्राप्त होगा, नहीं मान रहे तो आप देख लो मिटा के, आपको डार्क का फॉर्मूला क्या होता है मिनो मत, बीटा इज इक्वल टू, इस डायग्राम को भी मिटा देता हूँ, विड्थ तो आपको समझ में आ गया, एंगुलर विड्थ में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो बीटा इसका सिंबल हो गया, डब्ल्यू मिटाते हैं, के बीटा बताओ कितना हो गया, बीटा इक्वल टू एक्स एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है टू एन प्लस वन डी लैम्डा बाय टू डी, ये फॉर्मूला होता है, तो आपको क्या करना है एन की जगह एन प्लस वन रखना है, हो गया ना बड़ा, तो ये हो गया मतलब ब्रैकेट टू एन प्लस वन प्लस वन डी लैम्डा बाय टू डी माइनस के टू एन प्लस वन डी लैम्डा बाय टू डी, बीटा इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई करो अंदर टू एन प्लस मल्टीप्लाई करो अंदर तीन आ रहा है, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करो अंदर करो दो आ रहा है, दो इकन दो और एक तीन होता है, लेकिन जो दो इकन दो है, लेकिन जो दो इकन दो है, लेकिन जो दो इकन दो है उसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, और जो एक है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ प्लस डी लैम्डा बाय डी माइनस के टू एन प्लस वन डी लैम्डा बाय टू डी, ये गलत रिजल्ट क्यों दे रहा है, उसके पीछे रीजन है, बहुत सुंदर रीजन है, उसके पीछे बहुत सुंदर रीजन है, रीजन ये है कि नीचे का टू डी छोड़ दिया हमने, मल्टीप्लाई करूंगा भाई कितना आएगा, बीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन डी लैम्डा बाय टू डी प्लस का टू डी लैम्डा बाय टू डी माइनस का टू एन प्लस वन डी लैम्डा बाय टू डी, तो कर लिया बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी, तो फ्रिंज विड्थ सेम रहती है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली सेम एज डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज या याद रखेंगे, ठीक है, एन डी लैम्डा बाय डी 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 याद रखेंगे, ओके ठीक बिठाते हैं इसे डिस्कस को आप समझ गए, तो एक बात चल रही है एक चीज उधर मतलब तुम मिटा नहीं आता, एंगुलर विड्थ की बात चलती है, एंगुलर विड्थ स्पेशल गुड करते हैं, लेकिन सेंट्रल मैक्स सेंट्रल मैक्स जब बहुत बड़ी यूज कर रहा हूँ रेडी वही होता है, मुझे अगले चैप्टर की याद ज़्यादा आती है, जब रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ तो इंटरफेरेंस की याद आती है, इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूँ तो डिफ्रेक्शन की याद आ रही है, जो नहीं होता उसकी याद ज़्यादा आती है, चल रहा होता है उसके महत्व को नहीं समझते हम लोग, है ना, यही जीवन की सांख्यिकी है, हैशटैग ने बात चल रही थी एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज इस पर न्यूमेरिकल कभी कभी बन जाते हैं, सेंट्रल फ्रिंज कहाँ है हमारी भाई, इस वाली फ्रिंज का नाम सेंट्रल फ्रिंज है, तो इसके एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, मतलब ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा होगा, निकाल लो इस कोण को थीटा मान लो, इस वाली विड्थ को सर्कल पर ले लेता हूँ मैं, सर्कल पे लेना ठीक से नहीं आता मुझसे, ऐसा मत किया अब देता हूँ, ऐसे लो इसे, ऐसे लो इसे, ले लिया, ओ ब्राइट डार्कनेस मिट गई, इस चीज से खफा हो आप लोग, ये देखो आर को बनाऊंगा एक ही बार में ऐसे, समझ जाओ ना यही तो आर्क है, ऐसे कर लो
इतवार के ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इसको कह दो डेल्टा एक्स कर, ये बीटा कह दो, फ्रिंज की छोड़ाई है ना बीटा कह दो, करो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है थीटा जो निकालना है, आर्क कितनी है बीटा अपॉन रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डी को रेडियस कहेंगे कैपिटल डी है वो, कैपिटल डी, बीटा की वैल्यू कितनी होती है डी लैम्डा बाई डी, नीचे क्या है कैपिटल डी, डी से डी कैंसिल हो गया, एम प्लस एंगल ओवर थीटा कितनी आ गई लैम्डा अपॉन डी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं अंतर, ये एंगल ओवर थीटा किस पर डिपेंड करते हैं डी पर, अगर डी को हम कम करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाली स्लिट और ये वाली स्लिट को पास पास लाकर मैं एक ही बना दूं तो एक फ्रिंज एक स्लिट बनेगी जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगी और पूरी लाइट कहाँ पड़ेगी सेंटर पर, तो सेंटर पर मैक्सिमम बन जाएगा, और यही चीज ये भी कह रही है कि स्मॉल डी की वैल्यू अगर कम करी जाए तो एंगुलर विड्थ बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है ब्राइटनेस बढ़ जाएगी ना एंगुलर विड्थ बढ़ जाएगी, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या मुझे इसमें कोई चीज बतानी है, आपको एक चीज बताएंगे वो चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फॉर्मूले याद करते रहे ना वीडियो जो लिख रहा हूँ, हैशटैग रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, ये बहुत अच्छा है, अगर पहले लाल रंग की लाइट डाली जाए बोले तो रेड, तो ये चीज बनेगा, अगर फिर डार्क रंग की ग्रीन रंग की लाइट डाली जाए बोले तो ग्रीन, फिर पैटर्न जो बनेगा, क्या उस टाइम ब्राइट ब्राइट की जगह पर ही होगा क्या डार्क डार्क की जगह पर ही होगा, या लोकेशन शिफ्ट होंगी, लोकेशन ऑफ कोर्स शिफ्ट होंगी, लेकिन फ्रिंज विड्थ भी चेंज होगी या नहीं होगी, सोचो जरा, अगर एन डी लैम्डा चौड़ाई क्या होती है, तो होती है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई कैपिटल डी स्मॉल डी, ये होती है, और इसमें लैम्डा में चेंज कर रहा हूँ, जब मैं लैम्डा चेंज करूंगा तो ये बीटा चेंज होगा नहीं होगा, बीटा ऑफ कोर्स चेंज होगा, एक्शन किसे कहते हैं, एक्शन होता है एन डी लैम्डा बाय डी, अगर ये सारी चीजें सेम कर दी जाएं, इसकी मल्टीप्लाई में करो एक्स एन इंटू डी अपॉन नीचे कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, ये चीज कांस्टेंट रखी जाए एक्स एन डी बाई कैपिटल डी, एक्स एन डी बाई कैपिटल डी क्या है पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो रिलेशन कैसा आएगा पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मैं एग्जैक्ट रिलेशन बता देता हूँ ताकि तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, वो सिर्फ एक क्वेश्चन में आया था, वो छूटना नहीं चाहिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ओके ओके ओके, एक्चुअली ऑर्डर नहीं है तभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड ऑर्डर नहीं है नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ओके वही होता है एम्प्लाइज एन वन एन इंटू लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, एम्प्लाइज एन वन इंटू लैम्डा वन इक्वल टू एन टू इंटू लैम्डा टू, ये रिलेशन तो क्वेश्चन आया हुए थे इसलिए मैं आपको बता दिया, तो अब बात चल रही थी फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसमें फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, हैशटैग फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट, अगर यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट S1 और S2 से लाइट जा रही हो, S1 और S2 से, और ये स्क्रीन है आपका, स्क्रीन पर किसी लाइट के पाथ में एक ग्लास प्लेट लगा दी जाए, कितने विड्थ की टी विड्थ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, तो फ्रिंज में कितनी चेंजेस आएगी, क्या फ्रिंज में तो बढ़ेगी घटेगी, बोले तो नहीं क्योंकि डिपेंडेंट है ही नहीं पाथ के, वो तो लैम्डा डी डिवाइड है, डी बाई डी है,
सोर्स हो गया, स्लिट हो गया, ये सेंट्रल हो गया। हम बात करते हैं फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा। तो पहले जो nth ऑर्डर की फ्रिंज थी वो बनती थी x n पे, और हमें देखना है कि अब फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा, क्या फ्रिंज ऊपर नीचे भागेंगे, ये चीज देखेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो ग्लास प्लेट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू एंड द विड्थ ऑफ द ग्लास प्लेट इज टी। सपोज द वेलोसिटी इन द ग्लास प्लेट इज वी, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल थ्रू ग्लास प्लेट। आपको ये बताना है इससे गुजरने पर कितना टाइम लगेगा। तो हम आपको बोला होता है चाल बराबर दूरी पर समझ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू कितना जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है टी निकालना है, टाइम लीजिए टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसके अंदर टी, स्पीड कितनी है, स्पीड इसके अंदर है वी। एक फॉर्मूला बता रहे हैं तुम्हें, एन इक्वल टू सी अपॉन वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंसर करो तो यहाँ पे म्यू है, तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी है, मान रखना है वी का, वी को जब लाएंगे कितना जाएगा, वी इक्वल टू सी अपॉन म्यू, सी अपॉन म्यू वो यहाँ पर यूज करो ये जाएगा। टाइम इक्वल टू टी अपॉन वी की वैल्यू कितनी, सी अपॉन म्यू, सी अपॉन म्यू, तो म्यू चला जाएगा ऊपर, कितना जाएगा एम प्लाइज कितना बचेगा ऐसे बता दो, नहीं बता दो कितना बचा, इज इक्वल टू म्यू चला गया ऊपर तो हो गया म्यू टी, म्यू टी अपॉन नीचे सी, तो म्यू टी अपॉन सी टाइम लगेगा। ठीक है, क्या बताएं यहाँ लिख दूँगा, म्यू टी अपॉन सी टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली इतना टाइम लगेगा। बात करते हैं इस लाइट को यहाँ से जाकर वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इस लाइट को यहाँ से जाकर वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना यहाँ पर। ठीक बिल्कुल सही बात, देखो बात चल रही है इसे मिटाता हूँ, तुम लोग सब कुछ नोट करना, तुम लोग सब कुछ नोट करना है, सारा इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन ओके, सो द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय लाइट रे, लाइट रे वन, तो ये जो लाइट रे जा रही है इसका नाम वन रख देते हैं, वन टू रीच एट पॉइंट पी, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। बड़ी सीधी सी बात है, टाइम बराबर होता है, हमें नहीं पता तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, टी को तो छोड़ दो मैंने अलग से सॉल्व किया है, जब टी को छोड़ेंगे तो बचेगा इसका नाम एस वन है, इसका नाम एस टू है, तो ये हो जाएगा एस वन पी, एस वन पी में से टी निकाल दो, टी निकाल दो, इतनी दूरी जो बचेगी वहां की बात कर रहा हूं, जब इतनी दूरी बचेगी तो वहां पर सिर्फ हवा है क्योंकि टी दूरी में तो कांच है, तो एस वन पी, एस वन पी में से कांच हटा दिया, एस वन पी में से कांच हटा दिया, एस वन पी में से कांच हटा दिया, उतनी दूरी किस स्पीड से चला है, नीचे स्पीड आता है, स्पीड है सी, बिल्कुल सही अनलिस्ट चल रहा है। बात चल रही है लाइट को यहां से वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा हवा में तो इतना टाइम लगेगा, हवा में तो इतना टाइम लगेगा, हवा में तो इतना टाइम लगेगा, हवा कहाँ है, कांच को छोड़कर, हवा कहाँ है, कांच को छोड़कर, तो हवा में तो इतना टाइम लगेगा। तो बबीता बोली बहन ये बता तो टोटल कितनी देर में पहुंचेगी, बोली टोटल का क्या है, हवा वाले टाइम में कांच वाला टाइम जोड़ दो, कांच वाला टाइम कितना है प्लस का म्यू टी अपॉन सी, ये टोटल टाइम लगेगा लाइट वन को यहां से पी तक पहुंचने में, सो द टाइम टेकन बाय लाइट रे वन टू रीच पॉइंट क्यू, इतना टाइम लगता है, जब जोड़ोगे तो आएगा ये एस वन पी माइनस टी प्लस म्यू टी अपॉन सी, ऐसे भी कर सकते हैं,
एस वन पी प्लस म्यू टी माइनस पी अपॉन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं एस वन पी प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन सी, ये टाइम हो गया। तो मैंने कहा भाई टाइम का फॉर्मूला तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बोले यस सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही मान लो इसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मान लो। तो बोले यार डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो मैं मान लूंगी बबीता गीता, पर ये दूरी कैसी है तेरी, तेरी दूरी वास्तव में तो एस वन पी है ना, ये क्या गुणा भाग लगा रखी है। बोले बहन मेरी स्पीड मेरी दूरी एस वन पी ही है, लेकिन ये जो कांच का टुकड़ा लगा है ना इसकी वजह से मेरी दूरी ऐसी हुई है, इस दूरी को इफेक्टिव दूरी क्या है। अरे क्यों, बोले मान के चल ये जो कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट है क्या ये हवा की बनी हुई है, बोले नहीं ये तो कांच की बनी, इसको लूज करके इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और लूज करो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और कम होगा, इसे लूज करते करते जब ये कांच का एयर बन जाए तो वो जो दूरी बनेगी, वो दूरी मैंने यहाँ लिख रखी है, तो वो दूरी ट्रेवल थे। तो मान तो तू सोच रही है ना कि तू ज़्यादा चली है और मैं कम चली हूँ, ऐसा कुछ ना बहन, जितना तू ज़्यादा चली होगी उससे ज़्यादा मैं कांच में चली होंगी, क्योंकि कांच अधिक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है, तो डिस्टेंस है, इसे इफेक्टिव डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस, इधर का मिटाता हूँ फिर तो बताता हूँ क्या होता है, इधर का ही मिटाना पड़ेगा मुझे, नोट कर लेना तुम लोग। सो इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा बताओ भाई, ये जाएगा एस वन पी, इफेक्टिव डिस्टेंस ये है, इसे एस वन पी कह देता हूँ मैं, एस वन पी जो है नया वाला है स्टार कह दे रहा हूँ, बराबर कितना आएगा एस वन पी प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, ये है ऊपर वाली चीज़, ये तो डिस्टेंस है, तो बस ये इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस निकालना पड़े, नाउ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स तो क्या आएगा, पाथ डिफरेंस बराबर पहले हम लिखते थे एस टू पी माइनस एस वन पी, अब हम लिखेंगे एस टू पी माइनस एस वन पी नहीं लिखेंगे हम, अब हमारा धर्म बनता है क्योंकि ये एस वन पी जो है ये नॉर्मल एस वन पी तो रहा नहीं, क्योंकि तो इसके बीच में क्या है कांच इंसर्टेड है, तो हम क्या करेंगे हम इस दूरी को एस वन पी है मान के एस वन स्टार पी मानेंगे, तो हो जाएगा एस टू पी माइनस एस वन स्टार पी, ये घटाना पड़ेगा इस बार, तो एस टू पी तो ऐसे ही रहेगा माइनस एस वन पी ऐसे लिखेंगे, एस वन पी सॉरी प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी कितना आ जाएगा एस टू पी माइनस के एस वन पी और माइनस का म्यू माइनस वन इंटू टी हो गया डेल्टा एक्स, ये पाथ डिफरेंस आ गया। नाउ अप्लाइंग कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज कंडीशन क्या होती है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल रखना पड़ता है, क्या रखा है एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस के म्यू माइनस वन इंटू इक्वल टू एन लैम्डा, मिटा देते हैं भाई। बताओ कितना है एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस का म्यू माइनस वन इक्वल टू प्लस के हो गए, ये पहले वाला पाथ डिफरेंस है, और पहले वाला पाथ डिफरेंस बिल्कुल सही बात है, पहले पाथ डिफरेंस पहले कितनी होती थी वो हमें पता होनी चाहिए, वो कितनी वो होती थी डी एक्स एन वाई कैपिटल डी, अगर पहले वाला पार्ट डिफरेंस अगर आपको थोड़ा भी याद हो, लिख दे रहा हूँ मैं यहीं पर रिमार्क में लिख रहा हूँ रिमार्क वैसे याद कर लो, उसका एंगल के सामने क्या था खड़ी, जिसे कहते हैं डेल्टा एक्स खड़ी, और फिर उसकी खड़ी क्या थी, उसकी थी एक्स एन, और इसकी थी पड़ी क्या स्मॉल डी, उसकी पड़ी क्या कैपिटल डी, यहाँ से एक्स एन का इसको ले आओ, डेल्टा एक्स कितना हो गया एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी, ये पार्ट डिफरेंस करा होता है एस टू पी माइनस एस वन पी,
बताया था, प्रूफ करा था, नहीं मान रहे, ऐसा देख लो स्लिट थी और रेज ऐसे गई थी, ऐसा था, ये डेल्टा एक्स था और ये एंगल था, तो ये खड़ी हो गई डेल्टा एक्स, बट ये इसकी खड़ी थी एक्सन और पड़ी हो गई स्मॉल डी, पड़ी थी कैपिटल डी, स्मॉल डी एक्स आ गया एक्सन डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, ये एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू इतनी देर समझ गया, रखा मिट गया, ये यहाँ पर रख दो, कितनी वैल्यू है भाई इसकी बताओ, कितनी एक्स एन डी बाई कैपिटल डी, एक्स एन डी बाई कैपिटल डी बताओ कितना है, एल लैम्डा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, तो बताओ एक्स एन की वैल्यू कितनी है, एम्प्लाइज एक्स एन की वैल्यू आ गई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एल लैम्डा ब्रैकेट में म्यू माइनस वन इंटू टी, ये आ गई। ठीक है, एंड अगर मल्टीप्लाई अंदर गुणा कर दो कितना आएगा, एक्स एन स्क्वायर टू एन कैपिटल डी लैम्डा बाय डी प्लस डी बाय डी ब्रैकेट में म्यू माइनस वन इंटू टी, ये क्या है, ये भैया भूतपूर्व दूरी है, क्या ये है भूतपूर्व, सॉरी भूतपूर्व दूरी, मतलब हम एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, मेरे एक्स डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पहले जब फ्रिंज बनती थी तो क्या होता था, मान लीजिए आपके पास ये स्लिट है S1 और ये स्लिट है S2, भूतपूर्व दूरी का मतलब समझे नहीं समझे, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ लो समझ गए होगे, मान लीजिए आपके पास स्लिट है ये S1 और ये स्लिट है S2 और ये है S, और यहाँ पर आपका इस तरीके से स्क्रीन पर लाइट बनेगी, फ्रिंज बनेगी, स्क्रीन है, तो ये जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन थी, ब्राइट फ्रिंज फॉर्मूला यह आता है एनडी लैम्डा बाई डी, एनडी लैम्डा बाई डी, इतनी दूरी पर ब्राइट फ्रिंज बनती थी पहले, इतनी दूरी पर ब्राइट फ्रिंज बनती थी पहले, पर अब कितनी बनती है, अब बनती है इतनी दूरी पर, मतलब इतनी फालतू दूरी, तो मतलब ब्राइट फ्रिंज जो यहां बन रही होगी वो थोड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, कितनी ऊपर चढ़ेगी भाई, वो चढ़ेगी इतनी ऊपर d बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी, इसका मतलब फ्रिंज जो है ब्राइट फ्रिंज वो यहाँ से शिफ्ट हो गई ऊपर, डिस्प्लेस हो गई ऊपर, इसे कहते हैं डिस्प्लेस होना, फ्रिंज इज डिस्प्लेस्ड, फ्रिंज इज डिस्प्लेस्ड, प्लेस्ड कितनी डिस्प्लेस्ड हुई, इतनी तो फालतू है तो इतनी डिस्प्लेस्ड हुई, क्योंकि यहाँ तक की दूरी तो ये है एक्स एन डी बाई डी, फालतू ये वाली है, ये वाली फालतू, ये फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज को फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कहेंगे हेंस हेंस फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स मत लिखो ऐसे एक दो बराबर, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट किस को करें, डी से तो करें, डी से डिस्प्लेसमेंट होता है, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट को किस से तो करें, किस को करें, एफ डी से कर देते हैं, कैपिटल एफ मिटाते हैं, क्या कुछ बचा, अब जरा फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, और ये लेक्चर थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ी सी जो होता है वो भी बता देता हूँ, थोड़ी सी जो रहेगी वो भी बता देता हूँ, हैशटैग कोहरेंट, हैशटैग के अंदर पहली बार स्टार बनाओ, ध्यान समझना, कोहरेंट सोर्स किसे कहते हैं, कोहरेंट सोर्स किसे कहते हैं, वर्ड है, क्यों बता रहा हूँ भैया, एमएसक्यू में आ जाता है, एमएसक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, एमएसक्यू के लिए बहुत जानदार चीजें पढ़नी पड़ती हैं, कोहरेंट सोर्स किसे कहते हैं, कोहरेंट सोर्स किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कला संबद्ध, कला संबद्ध,
कला संबंध किसे कहते हैं? कला संबंध को समझने के लिए आपको पता पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक टर्म और आती है, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके साथ, और वाई द इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्स, दो स्वतंत्र सोर्स से इंटरफेरेंस क्या पॉसिबल है, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, समझेंगे, मान लीजिए दो स्लिट आई है S1, S2, ये सोर्स है और ये स्क्रीन है, ये सोर्स है, स्लिट है, लाइट यहां से गई यहां पर, यहां से गई यहां पर, और यहां पर इंटरफेरेंस हुआ, फ्रिंज मिल गई, सीधी सी बात। तो मैंने कहा भाई तेरी क्वेश्चन क्या थी, बोले सर मेरी क्वेश्चन थी y1 इज इक्वल टू थी a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। मैंने बोला तेरी क्वेश्चन क्या थी, बोली मेरी थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा या प्लस फाई। मैंने बोला भाई फाई क्या है, बोले सर फाई तो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। मैंने बोला भाई यू कहां से आया, बोले सर ये जो दूरी चली है ना, मैंने ये दूरी मैंने अलग चली है और इसने अलग चली है, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, दोनों के जो बीच में जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वही इस फेज डिफरेंस के लिए जिम्मेदार है। तो ये फाई इज, दिस फाई इज ड्यू टू पाथ डिफरेंस और इसी फाई का कभी 2n पाई होना, इसी फाई का कभी 2n+1 पाई होना, यही जन्म देता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, मतलब ब्राइट फ्रिंज को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इंटरफेरेंस को। ये बहुत बार बना रहा हूं मैं चित्र, बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें भी क्लियर हो जाए कि डी कहां होता है, स्मॉल डी कहां होता है, यहां होता है, कैपिटल डी कहां होता है, यहां होता है, दिमाग में क्लियर कर लेना। मैंने बोला यार ये फाई ही तो डिसाइड करता है कहां पर ब्राइट बनेगा कहीं डार्क बनेगा, बिल्कुल सही बात है, ये जो फाई होता है जो फेज डिफरेंस है ये फाई ही डिसाइड करता है कहां ब्राइट बनेगा कहां डार्क बनेगा। मैंने बोला यार ये बताओ कि क्या तुम्हारा यहां से कोई फेज डिफरेंस नहीं था पीछे से? बोले गुरुदेव हमारा पीछे से कोई फेज डिफरेंस नहीं था क्योंकि हम दोनों एक ही स्रोत से थे, ईश्वर ना करे अगर पहले से हमारे पास कोई फेज डिफरेंस डेल्टा होता, अगर पहले से हमारे पास कोई फेज डिफरेंस डेल्टा होता तो वो डेल्टा फेज डिफरेंस में यहां लगाता प्लस डेल्टा, और फाइनल फेज डिफरेंस हम फाई प्लस माइनस डेल्टा लेके चलते, जुड़ता है घटता वो अलग बात है। मैंने बोला बात तो सही है, तो सॉल्व कर देगा, बिल्कुल सही बात है। बोले सर तब भी फ्रिंज बन जाती। मैंने बोला पर दिक्कत क्या है, दो स्वतंत्र स्रोत क्यों नहीं ले सकते तुम? तो मैंने कहा सर दो स्वतंत्र स्रोत इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि डेल्टा से मुझे परेशानी नहीं है, परेशानी इस बात से है कि क्या ये डेल्टा समय के साथ नियत है या नहीं, क्या ये डेल्टा समय के साथ नियत है या नहीं। ये बोलते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस, क्या कहते हैं इसे, इनिशियल और मैं नया नाम दे रहा हूं बर्थ फेज डिफरेंस, मतलब जहां से लाइट पैदा हुई है वहीं से अगर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ रहा है तो भी हम सोल्व करके एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं। पर ये फेज डिफरेंस नियत रहेगा कब, ये फेज डिफरेंस तब नियत रहेगा अगर वो दोनों लाइट वेव्स किसी एक ही सोर्स से संबद्ध हो, एक ही सोर्स से संबद्ध, अगर वो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स हो। मान लीजिए यहाँ पर एक मोमबत्ती है, यहाँ पर दूसरी मोमबत्ती है, यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पर दूसरा सोर्स है, मान लीजिए टॉर्च ले लो, कैंडल ले ली, यहाँ पर एक कैंडल है यहाँ पर दूसरी कैंडल है, और हम बोल रहे हैं भैया इनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों दिखाई नहीं दे रहा? तो भैया जी लाइट के पैदा होने पर जाएगी, जरा आइंस्टाइन थ्योरी ये कहती है, नील्स बोहर की थ्योरी ये कहती है कि ऑप्टिक्स में जो लाइट आता है वो लाइट वास्तव में एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से पैदा होती है। अगर मैं कहूं कि ये उजाला कहां से आ रहा है तो मोमबत्ती के किसी एक परमाणु पर फोकस कीजिए, जब मोमबत्ती के आप किसी एक परमाणु पर फोकस करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि परमाणु के अंदर बीच में नाभिक होता है और बहुत सारी सेल्स होती हैं। इन सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन में चक्कर लगा रहे होते हैं, और ये आग का जलना, मोमबत्ती का खर्च होना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाती है, रिलीज की जाती है, उस दौरान एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन लोअर ग्राउंड स्टेट में आते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी प्राप्त करके अपर स्टेट में जाता है, अपर स्टेट में गया जिसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और फिर वहां से वो ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट, और सॉरी जहां जिस था वो जहां था वहीं पर होता है उसका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहां पे, 10^-8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहां से फिर एक फोटोन निकलता है जिसे एच न्यू कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब एक एक परमाणु स्वतंत्र रूप से अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है। तो किसी मोमबत्ती के अंदर के हर एक परमाणु आपस में स्वतंत्र है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, तो अलग अलग परमाणु के कारण उत्पन्न होने वाली लाइट के बीच में भी डिफरेंस हो सकता है, फेज डिफरेंस, क्योंकि एक लाइट की बीम बहुत सारी लाइट वेव्स फोटॉन्स की वजह से मिलकर बनी होती हैं, जो कि अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होता है। वो जो फोटॉन्स अगर एक ही लाइट सोर्स के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है वो लगभग लगभग कॉन्स्टेंट फेज रखते हैं, जिसे मैं डेल्टा कह रहा था, जिसे मैं डेल्टा कह रहा था। लेकिन अगर दो मोमबत्ती हो तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है कि दोनों के एटम्स के अंदर एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दो स्वतंत्र स्रोतों से इंटरफेरेंस पैटर्न पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दो इंडिपेंडेंट सोर्स के से अगर लाइट निकलेगी तो लाइट के क्वांटम सिद्धांत के अगर हम उसके एमर्जेशन को पूछें कि अगर उसके बर्थ को देखें कहां से वो पैदा हो रही है, तो वहां पर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक ही टाइम पर हो, क्योंकि उनके बीच में टाइम डिफरेंस होगा, अलग अलग टाइम पर वो एक्साइटेड हो सकते हैं, इसीलिए लाइट की वेव में एक नॉन कॉन्स्टेंट जिसे कहते हैं वेरिएबल फेज डिफरेंस होगा, और वेरिएबल फेज डिफरेंस डेल्टा होगा। उस वेरिएबल फेज डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा को लेके चलूं तो यहाँ पर ये डेल्टा इस टाइम वेरिएबल होगा, और इस वेरिएबल को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, और अगर ये वेरिएबल है, वेरिएबल किसके साथ, वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल होगा तो ये फाई का मान ना होकर ये होगा फाई प्लस माइनस डेल्टा, और यहाँ भी फाई प्लस माइनस डेल्टा की वैल्यू होगी। ये इसी कंडीशन को लेकर जब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में बनाऊंगा तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन बदलती रहेगी, मतलब उस लोकेशन पर एक्शन पर कभी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसी बिंदु पर कभी डार्क फ्रिंज मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल पैरामीटर। ये कभी इसमें जुड़ेगा तो ये बना सकता है, ये कभी घटेगा तो ये फिर ये बन सकता है। तो बढ़ने और घटने का मतलब इस वेरिएबल पैरामीटर की वजह से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपस में बदलती रहेंगी, और आंखों की एक निर्बंधन क्षमता होती है, देखने की क्षमता होती है। अगर कोई वेरिएबल बहुत तेजी से बढ़ घट रहा हो, जैसे कि हम ट्यूबलाइट की बात करें तो भी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब देखें हमारे घरों में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की एसी लाइट आती है, मतलब लाइट बुझ रही होगी, जल रही होगी, लेकिन हमारे आंखों की एक लिमिट होती है जिसे निर्बंधन क्षमता कहते हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे उस फ्लक्चुएशन को। वैसे ही यहाँ पर ब्राइट डार्क जो फ्रिंजेस बनती हैं वो बहुत तेजी से बदलती हैं, जिसके हमें सस्टेन फ्रिंजेस नहीं मिलते हैं। सस्टेन फ्रिंजेस नहीं मिलते हैं तो एक डेफिनेट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ जी इंटरफेरेंस की घटना ऑब्जर्व नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति में। तो मैंने आपको संक्षेप में ये बताया कि दो स्वतंत्र तो इंडिविजुअल लाइट सोर्स की वजह से इंटरफेरेंस इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो इंडिविजुअल लाइट सोर्स के अंदर एटॉमिक ट्रांजिशन सेम टाइम पर नहीं होते, और जो फेज डिफरेंस, जो बर्थ फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता। अब बर्थ फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट ना होने की वजह से जो स्क्रीन पर आपको फ्रिंजेस मिलेंगी, वो स्क्रीन पर मिलने वाली फ्रिंजेस भी टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, जिस कारण में एक सस्टेन वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। ये था इसके पीछे का बेसिक रीजन। भला कहते हैं कला संबद्धता किसे कहते हैं, कला संबद्ध किसे कहते हैं, तो ये तो कला संबद्ध नहीं, कि कला संबद्ध कहते हैं फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहना। इफ फेज डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड कोहरेंट सोर्स, इट्स कॉल्ड कोहरेंसी दिखाते हैं। तो बात कर रहे थे ये स्वतंत्र स्रोत कोहरेंट है, नहीं, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहरेंट। तो इस चीज को बारीकी से आई होप आप लोगों को समझ आ गया, कोहरेंट किसे कहते हैं, अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है तो उसे कोहरेंट कहते हैं। जैसा कि इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ मैं, जब बिठा के एक थ्योरेटिकली वे में नोट जरूर करना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, पढ़ रहे हो तो अच्छी बातें लगेंगी, वरना तो तुम थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संबद्ध इफ टू सोर्स हैव अ फेज डिफरेंस फाई विच इज आइदर कॉन्स्टेंट, इधर कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, इधर कॉन्स्टेंट और जीरो डिग्री, देन बोथ सोर्स आर कॉल्ड कोहरेंट सोर्स। इसका मतलब कोहरेंट एक रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है? रिलेटिव टर्म का मतलब ये हो गया कि कोई सोर्स अपने आप में कोहरेंट नहीं हो सकता, वो किसी के रिस्पेक्ट में कोहरेंट होगा। जैसे कि मैंने लिखा है इफ टू सोर्स हैव अ फेज डिफरेंस फाई विच इज आइदर कॉन्स्टेंट और जीरो देन द बोथ सोर्स आर कॉल्ड कोहरेंट। अगर दो सोर्स ऐसे हैं जिनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो है या कॉन्स्टेंट है तो कहलाएंगे कोहरेंट सोर्स। बिल्कुल ठीक है। और इफ ये कह सकते हैं इसके अपोजिट में लिखें, क्या लिखा है पढ़ते हैं, इसका आगे चलते हैं। इफ टू सोर्स हैव अ फेज डिफरेंस फाई विच इज ईदर कॉन्स्टेंट और जीरो देन बोथ सोर्स आर कॉल्ड कोहरेंट सोर्स। और डेफिनेशन देखते हैं, इफ द फेज डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट वही कहीं ना घूम फिर वही लगने बने, क्योंकि बेसिकली मैंने आप डेफिनेशन जो बताई वो यही है, टाइम के साथ कोहरेंट अगर फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है तो उसे कोहरेंस कहेंगे। तो आप बात करते हैं क्यों नहीं कर सकते, स्टार मार्क लिख रहा हूं, वी कैन नॉट ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्स बिकॉज दे आर नॉट कोहरेंट। इसके अंदर का एक और बिकॉज इट इज नॉट ऑब्वियस दैट देयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, भाई एटॉमिक ट्रांजिशन था उस पर, जहां भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोला गलत बोला है, एटॉमिक ट्रांजिशन गलत बोलते हैं ना, थोड़ा इलेक्ट्रॉन के लहजे से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बोलना चाहिए था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोल के गलत बोल दिया। देन एटॉमिक ट्रांजिशन क्या बोल दिया मैंने, बिकॉज अच्छा कोहरेंट के अंदर का चल रहा है बिकॉज इट इज नॉट ऑब्वियस दैट देयर एटॉमिक ट्रांजिशन विल बी एग्जैक्टली सेम टाइम। ठीक, स्टार पॉइंट लिखते हैं, यस वी कैन मेक द कोहरेंट लाइट सोर्स। There are two methods. दो मेथड के द्वारा कोहरेंट लाइट सोर्स आप किया सकते हैं। स्टार ठीक से बनाओ। नंबर वन, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। नंबर टू, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। जैसे इसका एग्जाम्पल है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का है ब्राइटनेस और
डार्कनेस पैटर्न, डार्कनेस पैटर्न ऑफ बबल, ऑफ सोप बबल, एस ओ पी सोप, बी यू डबल बी एल बबल, स्मॉल बी लगाओ ना, स्मॉल बी बबल। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा डिविजन डिफरेंस, यहाँ पे यह सीधी सी बात होती है, एक लाइट सोर्स था, एक लाइट सोर्स से सबला वेवफ्रंट निकल रहे थे, सबला वेवफ्रंट के सामने दो स्लिट आई, दो स्लिट एस वन एस टू हुआ, तो एस वन एस टू में क्या हुआ, एक वेवफ्रंट को तोड़ो के हमने दो वेवफ्रंट बनाए, तो पहला मेथड से हमें कोहेरेंट सोर्स मिल सकता है। दूसरा क्या आपने कभी देखा हो तेल, तेल के तेल पानी के ऊपर तेल पड़ा हुआ चमक रहा है, या कोई साबुन का बुलबुला है वो चमक रहा है, उसके अंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है। अगर हम किसी वेव के सिंगल एम्पलीट्यूड को तोड़कर दो एम्पलीट्यूड में ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ही एम्पलीट्यूड से ही बने हुए दो, तो उनके साथ क्या होगा, कोहेरेंट रिलेशन होगा पहले वाले एम्पलीट्यूड के साथ और आपस में भी।